Subscribe now and press the bell icon. Never miss update. नमस्कार सभी को। तो आज पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो भाई आपके इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बात गलत हो जाती है, कुछ गलती से निकल जाती है, भूल जाते हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ मेरे साथ गलती होती है, ठीक है भाई। और जो मैं आपके बारे में जो भी ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में छूट जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए यार इतना नहीं कर देंगे तो और कैसे करेंगे। और दूसरी बात कि जो भी मैं ट्रैक्टर ले आता हूँ उसका मैं दूसरे ट्रैक्टर के साथ फुल स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, तो आप अपना आप कंपेरिजन कर सकते हो उस कैटेगरी में आपको कौन सा ट्रैक्टर बेहतर लगता है। तो पहले एक ट्रैक्टर की वीडियो की पूरी, फिर दूसरे की होगी, ऐसे भी आती है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम पूरा रिव्यू 60 के साथ जाएंगे। 2019 का बिल्कुल अपग्रेड मॉडल है, 2019 के साथ आया है 2019 मॉडल। तो आइए पूरा शुरू से देखते हैं। जैसे देख सकते हो आप, ये टायर हैं आगे के, इसके अपोलो टायर मिलते हैं इसमें, 750-16 के टायर मिलेंगे आगे वाले, ठीक है ना। और पीछे वाले टायर जो मिलते हैं इसके 1428 के टायर मिलते हैं पीछे वाले, पीछे वाले भी अपोलो के टायर मिलेंगे इसमें 1428 के टायर, ठीक है। और इसमें 13 का भी टायर का साइज़ का जो ऑप्शन है। और जैसा आप देख सकते हो मडगार्ड बहुत खूबसूरत लगता है इसका, मडगार्ड ट्रैक्टर का। और यहाँ हैंडल भी आते हैं ऊपर बैठने के लिए, काफ़ी चौड़ा मडगार्ड है, दो बैठ सकते हैं। और LED लाइट आती है इसमें ट्रैक्टर में, ठीक है ना। ट्रैक्टर जो 3160 समथिंग सीसी का है, ठीक है, पक्का प्रॉपर नहीं पता मुझे क्योंकि मैं इसके बारे में देख नहीं पाया, थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी बढ़ी हुई बता रहे हैं जैसा कि मुझे पता चला है। और ट्रैक्टर देख सकते हो आप अंदर से, ये डबल बोनट में ट्रैक्टर है, आगे से आधा खुलता है आधा ऐसे खुलता है। 1.5 लीटर का पावर स्टीयरिंग कॉइल डलता है इसके अंदर, और ये कूलेंट है यहाँ पे, जो 1 लीटर आता है मैंने कूलेंट, सारे फ्यूज़ यहाँ पे आ जाते हैं इस ट्रैक्टर के, जो भी बारीक बारीक फ्यूज़ हैं। और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है इसलिए इनलाइन 3 वाल्व आते हैं ट्रैक्टर में। जो पंप है इसका, बॉस का पंप आता है इसके अंदर। और ये वाटर सेपरेटर है, जो पानी वानी होता है टैंकी में उसको सेपरेट करने के लिए होता है, अलग कर देता है। उसके बाद जाता है फिर डीजल फिल्टर में, ये डीजल फिल्टर है, इसके बाद पंप में और पंप के बाद इंजन में, ताकि इससे इंजन की और पंप की लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके। और सारे रेडिएटर को यहाँ पे फोम से तुमने देखा होगा सील कर रखा है, ताकि इसमें पानी को इसके औजार बैटरी वैटरी में ना जा सके धोने के टाइम पे। ट्रैक्टर को आसानी से तुम ऐसे ही खोल के भी धो सकते हो, कोई ट्रैक्टर में फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ट्रैक्टर में इसमें भी 12 इंच की क्लच प्लेट आती है, 12 इंच की, काफ़ी बड़ी, जो ट्रैक्टर की खैच में बेनिफिट साबित होती है और भी ज़्यादा पहले के मुकाबले। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है ट्रैक्टर के अंदर साइड में, ठीक है ना। तो आइए आगे से देखते हैं थोड़ा सा ट्रैक्टर में। आगे की तरफ फार्म ट्रैक 60 का लोगो आता है, आप देख सकते हो कितना शानदार ट्रैक्टर है। और LED के साथ साथ हैलोजन हेडलैम्प भी मिलती है इस ट्रैक्टर में, ये देख सकते हो आप। और ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग में आता है, और प्लस इसका एक्सल जो एडजस्ट है अपने हिसाब से खेती के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो आप। और पावर स्टीयरिंग है, और ये एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग आता है, दोनों साइड होती है इसमें रोड, देख सकते हो आप, इसे बोलते हैं एडजस्टिंग पावर। तो ये आता है EPI क्लासिक प्रो सीरीज, 20 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को, 54 देश में बेचती है कंपनी इस ट्रैक्टरों को। और ये F8 सुपर मैक्स में आता है, F8 सीरीज, ठीक है ना। और साइड मिरर मिलता है काफ़ी अच्छा, काफ़ी चौड़ा साइड मिरर है आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका साइलेंसर वही जो अपना फार्म ट्रैक की शान है, नीचे चौड़ा होता है इसकी बोगली, ठीक है। और यहाँ पर आप साइड में आके देख सकते हो, इसमें डबल पंप मिलते हैं, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है इधर, इधर ये हाइड्रोलिक पंप हो गया, ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया इधर, ठीक है ना। और आप देख सकते हो काफ़ी भारी मजबूत ट्रैक्टर लगता है। और 3390 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और 3100 mm लेंथ है इस ट्रैक्टर की। और ये 55 से 60 लीटर का डीजल टैंक है, यहाँ पे लॉक से खुलता है, ठीक है। और जैसा आप देख सकते हो इधर किसान को पकड़ के हैंडल चढ़ने के लिए भी दे रखा है, तो आसानी चढ़ सके। और यहाँ पे फुट पैड है बहुत अच्छा, जो किसान को पकड़ के चढ़ने में आसानी से पकड़ के आसानी से चढ़ सकता किसान। LED लाइट मिलती है, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट, ठीक है। आइए थोड़ा पहले पीछे देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं ऊपर का दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे अब हम पीछे आ चुके हैं, और पीछे आप देख सकते हो इसमें कितना हैवी एक्सेल दे रखा है ट्रैक्टर के अंदर, आप खुद देख सकते हो। और इसमें कंप्यूटर मानने के लिए और या जो हाइड्रोलिक वाली ट्रॉली चलाते हैं उसके लिए डबल पॉइंट आता है लगवा, आपको लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ फाइबर की मतलब टूल गेज आती है, मतलब इसके आयरन की, और उसमें अपना सामान रखते हैं। किसान के लिए वाटर की बोतल रखने के लिए केस दिया है, आसानी से बोतल लग सकता है, जो किसान लंबे समय तक खेती करता है। और यहाँ पे LED, और यहाँ देख सकते हो आप 5 साल
5000 घंटे की वारंटी, ठीक है ना। और यहाँ हैलोजन हेड लैंप है रात के काम के लिए, जो बहुत बेनिफिट होती है, ट्रैक्टर में भी मिलती है। और यहाँ अपने नंबर प्लेट लगा सकते हो ट्रैक्टर की, और उसके यहाँ लाइट भी आती है, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर में ही मिलती है, ठीक है। और आपने पीछे से देख लिया ट्रैक्टर, आइए। और इसकी हाँ, इसकी जो यो ट्रैक्टर जो मिलता है आपको, ये रिवर्स पीटीओ, फ्रंट पीटीओ और मल्टी स्पीड पीटीओ तीनों में मिलता है। और इसकी 1800 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है ट्रैक्टर की, ठीक है ना। तो आइए और आगे देख के ऊपर से दिखाता हूँ, और फिर इसका आपको मैं एवरेज की कीमत बताता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, ये फार्म ट्रैक का लोगों के साथ स्टेयरिंग मिलता है, जो काफ़ी क्लासी लुक लुक देता है ट्रैक्टर को। और यहाँ पर डिजिटल के साथ एनालॉग मीटर मिलती है, 2500 रेटेड RPM दिखा रखी है ट्रैक्टर के, जबकि 1800-2000 रेटेड RPM है। और छोटे छोटे इग्निशन है इसमें, जैसे सॉरी इधर डीजल तेल का पत के बारे में पहले बता देगा आपको ख़त्म होने से पहले। और ये देख सकते हो, ये आता है और 4 गियर फॉरवर्ड है, 1 गियर रिवर्स के साथ। और यहाँ पर आती है इसकी खेती के अकॉर्डिंग, अपने आप यहाँ DC PC से एडजस्ट कर सकते हो। और ये अलग से लीवर दे दे बिल्कुल कंपनी ने, ये कंप्यूटर मानने के लिए अलग से एक ही पॉइंट से आप एडजस्ट कर सकते हो खेती को। ये है हाथ की हैंड रेस्ट आ गई। और यहाँ देख सकते हो, छोटा सा फ्लैट टाइप प्लेटफॉर्म मिलता है, पूरा फ्लैट नहीं है। और ये चीज़ में फार्म ट्रैक की खटती है, इसका फ्लैट होना चाहिए फार्म ट्रैक का, बहुत अच्छा लगता है। 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर मिलता है यहाँ पर लगाने के लिए, और ये लाइट ऑन ऑफ के लिए अपने अकॉर्डिंग आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर T20 गियर में आता है ट्रैक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो खरगोश और कछुए की चाल, और यहाँ पर आता है बुल और घोड़े की चाल, ये T20 गियर है। वैसे ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स मिलेंगे, और इन्हें सबको मिलाने के बाद 16 फॉरवर्ड और जी 4 रिवर्स मिलते हैं, तो टोटल 20 गियर मिलते हैं इसके अंदर, T20 इसलिए बोलते हैं ट्रैक्टर को, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर? और उसकी हाँ डीजल खपत बता देता हूँ मैं आपको, 50 HP का ट्रैक्टर है पूरा, तो 50 HP में देती है कंपनी अब रजिस्टर करके, बाकी बहुत लोग मानना 55 HP, लेकिन मैं 50 HP बताऊँ जब कंपनी 50 HP बोल रही है। और इसकी जो खपत है डीजल की, वो 1 घंटे में कंपनी वाले बोलते हैं 5.5 लीटर लेकर 1 घंटे में फुल लोड पे, ठीक है ना। और उसकी कीमत है 7,15,000 रुपये एक्सोरूम मेरठ में। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा कॉमेंट में मुझे जरूर करके बताइए अपनी राय। अच्छा लगा तो लाइक करने, और मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, और प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कुछ बात छूट गई हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन आप उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में बता दूँगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।